पर दोस्तों, मैं उस रोज आप देख रहे हैं वीडियो। आज हम आए हैं महिंद्रा ट्रेनिंग सेंटर में। उसमें आपको दिखाऊंगा कि आज ब्लेजो गाड़ी है जो बेसिक्स है, उसमें एटीएस सिस्टम है, कौन सा सेंसर कहाँ पे लगा है और कौन सा सिस्टम किसको क्या बोलते हैं। तो आप चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम वीडियो में। तो देखिए, ये है पूरा एटीएस असेंबली, यहाँ पर खुला हुआ है, डेमो के लिए रहता है ये सब। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। ये आपका आया है नीचे, देखिए ये जो आया है आपका एग्जॉस्ट लाइन से, मतलब आपका इंजन तरफ से आया है, उसके बाद यहाँ पर फिट हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये आपका नॉक सेंसर अप स्ट्रीम हुआ, मतलब आपका नॉक सेंसर वन हुआ। ठीक है, ये आपको दिखाएगा कि हमारा कितना गैस वहाँ से नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है DOC, डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट जिसको बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए क्लेम लगा हुआ दोठो, तो ये जो क्लेम्प है, ये दोनों बीच में जो ये सिस्टम दिख रहा है, ये आपको DPF फिल्टर हो गया, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। और इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सेंसर लगा हुआ है, सबसे देखिए पहले ये जो दिख रहा है आपको DOC में दो सेंसर है, T4 टेम्परेचर सेंसर, ये T5 सेंसर, मतलब कि DOC मेरा कितना टेम्परेचर आया है और कितना जा रहा है मेरा। ठीक है, वो दिखाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, ये आपका DPF फिल्टर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो पाइप लगा हुआ है, एक यहाँ देखिए, एक यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा आपको, देखिए वहाँ दिखेगा आपको, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए वहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, ये दोनों आपका हो गया डेल्टा प्रेशर का पाइप। ठीक है, ये सिस्टम है आपका, ये स्विच बैक टाइप का है, जो हमारा ICB है D25 है उसमें, वो ले इनलेट टाइप का है, मतलब स्विच बैक टाइप, मतलब यहाँ से आया फिर वो आपका नीचे चला गया, ये आपका स्विच बैक टाइप का हो गया, दो टाइप का आता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों पाइप गया है, डेल्टा प्रेशर का ये वाला जो पाइप यहाँ पे आया है। ठीक है, डेल्टा प्रेशर का सेंसर ये है, देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, दिखा रहा आपको, ठीक है, डेल्टा प्रेशर सेंसर। ठीक है, यहाँ पे आता है, मतलब ये दोनों के बीच में कितना प्रेशर आ रहा है वो आपको बताएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक सेंसर आया है मेरा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका हो गया T6 टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, कि मेरा यहाँ पे आने के बाद मेरा कितना टेम्परेचर यहाँ निकल रहा है, मेरा DPF से बाद कितना आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ AW मिक्सचर है। ठीक है, AW मिक्सचर मतलब यहाँ पे AW मिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ AW मिक्सर की यहाँ इसलिए है क्योंकि देखिए AW इंजेक्टर लगा हुआ है। ये आपका बॉस कंपनी का दिया है, ये आपका D35 मतलब फ्यूजो गाड़ी और D35 दोनों में एक ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए तीन लाइन दिया है, ये आपका दो दिया है कूलर लाइन का, एक रिटर्न एक मेन, और यहाँ पे AW प्रेशर लाइन एक ही दिया है। ठीक है, रिटर्न इसका जो सप्लाई मॉड्यूल उसी में दिया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से जाने के बाद गैस हमारा यहाँ पर आया, देखिए यहाँ जाने के बाद हमारा गैस जो है यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए ये है आपका SCR सिस्टम, जितना हमारा जो है गैस यहाँ भी ख़त्म होता है। उसके बाद ये है पूरा SCR सिस्टम और AC सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से आधा मेरा हो जाता है ASC का, मतलब एमोनिया स्लिप कैटलिस्ट का। उसके बाद देख मैं दिखाता हूँ एक और सेंसर लगा हुआ है इसमें, देखिए यहाँ से हो गया, यहाँ निकलने के बाद जो हमारा कितना गैस बचा मेरा नाइट्रोजन ऑक्साइड का वो यहाँ पर दिखाएगा आपको। देखिए यहाँ पर सेंसर लाए, ठीक है, लास्ट में कितना मेरा जो नाइट्रोजन गैस बचा है वो वहाँ से दिखाएगा नॉक सेंसर टू का, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉन अपस्ट्रीम नॉक सेंसर। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका स्विच बैक टाइप का लेआउट है, सभी गाड़ियों में आपको इसके अलावा इनलाइन टाइप का मिलेगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।